सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। वन पीस मांगा चैप्टर 1031 अनऑफिशियल साइट्स पे आ चुका है। आई होप तुम लोगों ने मांगा चैप्टर रीड कर लिया होगा, उसके बाद आकर के ये वाला वीडियो देख रहे हो। अगर मैं इस चैप्टर के टाइटल की बात करूँ तो इस चैप्टर का टाइटल है सोल्जर ऑफ साइंस, और ये अनऑफिशियल ट्रांसलेशन है, ऑफिशियल में भी इसी से मिलता जुलता कुछ होगा। बेसिकली ये चैप्टर का टाइटल पढ़ने के बाद ये बात तो साफ साफ समझ में आ गया कि ये चैप्टर पूरी तरह से सांझी के ऊपर होने वाला है। खैर, इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां पर पिछला चैप्टर एंड हुआ था। भाई लॉ और किड ने क्या बवाल मचा दिया था यार पिछले चैप्टर में। यहाँ पर जितने भी काइडो के सोल्जर थे वो सब ये देख करके हैरान है कि आखिर बिग बॉम्ब जो है डाउन होगी, पर अब उन्हें पता नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। उसके बाद जो है बिग मॉम जिस तरह से उठती है ना, मैं क्या ही बोलूं। बिग मॉम उठ करके जिस तरह से कहती है लाइफ और ओशिराकू, भाई वहां पर अगर तू भी रहता ना तेरी भी फटके हाथ में आ जाती। यहाँ पर जो है जब वो डाउन रहती है, वो मतलब जितने भी लोहे के कबाड़ के अंदर फंसी हुई रहती है, उस वक्त लॉ जो है किड से पूछता है कि तुमने कितना ज्यादा मैग्नेटिज्म यूज किया। किड उसे जिस तरह से जवाब देता मतलब रूथलेसली कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, भाई बहुत ज्यादा फनी पार्ट लगा मेरे को। मतलब किड का जो एटीट्यूड है ना वो एक सातवें आसमान पे रहता है। खैर, यहाँ पर बिग मॉम उठने के बाद भाई जिस तरह से वो सभी के सोच जो चुरा लेती है, साथ ही साथ वो उसका साइज और पावर ज्यादा बढ़ाने के लिए वो अपने लाइफ का भी एक साल और यूज करती है। मुझे लगता है यही है बिग मॉम का डेविल फ्रूट का अवेकनिंग पावर, क्योंकि यार अभी तक जहां तक हमने देखा था बिग मॉम का डेविल फ्रूट पावर यही था कि दूसरों का सोल चुराओ, उसको चीजों में ट्रांसफर कर दो, ऐसा ही कुछ होता था। अगर कोई बंदा उससे डरता नहीं था तो वो उसका चुरा नहीं सकती थी, और यहाँ पर है वो भले ही चुरा नहीं सकती, लेकिन वो खुद का लाइफ का एक साल भाई यूज करके खुद का साइज बढ़ा सकते, खुद का पावर बढ़ा सकती है, प्लस अपने वेपन्स का भी पावर बढ़ा सकते। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो नेपोलियन का भी पावर बढ़ा देती है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अब भाई किड का जो लगने वाला है ये बात तो मुझे पता चल चुका है, लेकिन यहाँ पर किड भी अपने शायद सारे पत्ते खोला नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर किड और बिग मॉम का वन ऑन वन शायद बैटल हमें देखने को मिले, प्लस यहाँ पर लॉ जो पीछे से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हेल्प करता हुआ नजर आए किड को, जैसे रूम बना के यहाँ से वहाँ उसको ट्रांसफर करना, क्योंकि हमने जहाँ तक देखा है लॉ अपने डेविल फ्रूट को फुल पावर पे यूज कर चुका है, और तुम अच्छे से जानते हो उसका और डेविल फ्रूट कितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है यार। तो हो सकता है वो ज़्यादा पावरफुल अटैक्स ना कर पाए बजाय कि रूम और सांबुल्स करने के अलावा। प्लस यहाँ पर बिग मॉम का मुंह से जो है तारीफ सुनने को मिलता है कैप्टन किड और लॉ के लिए, जो कि मुझे खुद अच्छा लगा कि आखिरकार किसी योंको ने यार सीरियस लिया इन दोनों को, क्योंकि इससे पहले काइडो और बिग मॉम जिस तरह से इन तीन नमूनों को यार सीरियसली ले ही नहीं रहे थे, मतलब इनको तो मच्छर की तरह समझ रहे थे। पर अब उन्हें धीरे धीरे जो है समझ में आ रहा है कि ये लोग सीरियसली योंको के थ्रोन के लिए आए हैं। खैर, इसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं इनटू द चेंबर, और चेंबर में यहाँ पर एपू का ऑफर एक्सट्रैक्ट ने ठुकरा दिया। मतलब मुझे एक चीज तो सही लगा कि एक्सट्रैक्ट अब चलो स्ट्रॉ हैट का साइड ही रहेगा। इसके बाद इन दोनों का बीच में जो फाइट देखने को मिलता है एक्सट्रैक्ट वर्सेस एपू, एपू का कोई चांस नहीं एक्सट्रैक्ट के आगे मुझे जहां तक लगता है। भले ही दोनों सुपरनोवाज है बट एक्सट्रैक्ट यहां पर ज्यादा पावरफुल है एपू से, मुझे यहां पर पर्सनली लगता है, और शायद तुम लोग भी मेरी इस बात से एग्री करोगे। साथ ही यहां पर अचानक से यामाटो आ जाती है। यामाटो के आने के बाद यहाँ पर जो है एपू अपना थोड़ा बहुत दिमाग चलाता है, वो यामाटो को पटाने की कोशिश करता है, मतलब एक्सट्रैक्ट से तो उसको बचना ही है ना, बट यहाँ पर यामाटो जो है सीधा उसको इनकार कर देती है। और फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट आता रास्ते में और एक्सट्रैक्ट के साथ उसका थोड़ा बहुत वेपन टकराता है। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे साइड हूँ, और यामाटो इज लाइक अच्छा ओ ठीक है चल हट, एक्सट्रैक्ट को डाउन कर देती है। और उसके बाद जो फटाफट वो भागते हुए मतलब जा रहे होते हैं, क्योंकि यार उसको जो है बॉम्ब्स को डिफ्यूज करना वो बहुत ज्यादा जल्दी में है। प्लस उसके पीछे पड़ जाता है नंबर्स का एक मेंबर जिसका नाम फूगा है। साथ ही साथ वहां पर एपू मेरे भाई ये बाजा वाला जो है ना, ये एक नंबर का नमूना है, वो जायंट्स को जो नंबर थे उनको कहता है कि मुझे फॉलो करो, लेकिन वो लोग तो अपने ही नशे में चलते हैं। और इधर एक्सट्रैक्ट इस टाइप के एटीट्यूड में है कि तू कहीं नहीं जा रहा है, मेरे साथ ही फाइट करेगा। इसके बाद सीधे जो हमें ले जाया जाता है सेकंड फ्लोर में। अगर मैं सेकंड फ्लोर की बात करूँ तो यहाँ पर CP0 के दो मेंबर्स जो है पहुँच चुके हैं। जहाँ तक तुमको याद होगा मैंने पिछले चैप्टर पे भी बताया था कि CP0 के दो मेंबर्स जो आ रहे हैं, और ये लोग दोनों जो निको रॉबिन को पकड़ना चाहते हैं। क्या ये लोग पकड़ पाएंगे? मुझे नहीं लगता। और इन लोगों को रोकने के लिए मिंग ट्राइब्स जो है पूरी तरह से अपनी जान लगाने वाली है ताकि इन सोल्जर्स को रोक सके, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये लोग रोक नहीं पाएंगे इन लोगों को। साथ ही यहाँ पर ब्रुक जो है निको रॉबिन को उठाता है और वो जो ऊपर से कूद जाता है, और मुझे जहाँ तक लगता है
निको रॉबिन यहाँ पर जो अपना उड़ने वाला पावर को यूज करेगी, वो अपने डेविल फ्रूट से जो पंख बनाते उससे जो ये लोग दोनों उड़ के निकल जाएंगे। प्लस यहाँ पर सीपी जीरो का चीफ नजर आता है जो कि अचानक से गायब हो जाता है। मुझे जहाँ तक लगता है सीपी जीरो के उस चीफ ने जो है उनका जो सीपी जीरो का जो स्पेशल टेक्निक्स नहीं होता वो वाला जो यूज किया है, और वो किसी तरह से निको रॉबिन को पकड़ने के लिए अचानक से वहाँ पर प्रकट होगा और उसे पकड़ लेगा। मैं चाहता हूँ ये लोग दोनों किसी न किसी तरह से जिनबे के पास पहुँच जाए, और अगर जिनबे भाई पहुँच गया ना फिर ये सीपी जीरो हो या फिर कोई भी हो वो प्रोटेक्ट कर ही लेगा, मुझे जहाँ तक भरोसा है। वैसे निको रॉबिन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है पहले से। अगर निको रॉबिन पहले जैसी नॉर्मल रहती, ब्लैक मारिया से फाइट करने से पहले जिस नॉर्मल हालत में थी उसी हालत में रहती तो यार वो आराम से सीपी जीरो को किसी ना किसी को तो डाउन कर देती, लेकिन फिलहाल के लिए तो वो डैमेज है तो इसी वजह से वो पहले की तरह तो फाइट नहीं कर पाएगी। बट देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट मेरे भाई सबसे बेस्ट पार्ट आता है यहाँ पर, सांजी पहुँच जाता है वहाँ पर जहाँ पर ब्लैक मारिया का अड्डा रहता है, वहाँ पर जो बहुत सारी वुमेंस रहती है और वहाँ पर जितने भी वुमेंस रहती है वो सब देखने के बाद, सांजी को देखने के बाद खासकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके ऊपर जो भी मिलता है सामान चप्पल से लेकर जो भी मिलता है वो सब फेंकने लगती है। और वहाँ पर जो अपना सांजी है वो बहुत ज़्यादा मतलब चौंका हुआ रहता है, वो कन्फ्यूज है बेचारा कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर ओडा हमें कन्फ्यूज करने का ट्राई किया है कि सांजी अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म में आकर कहीं किसी वुमेन्स को डैमेज तो नहीं कर दिया। सांजी यहाँ पर थोड़ा याद करता है कि उसके जो भाई है वो लोग किस टाइप के कोल्ड हार्टेड बंदे, वो लोग लड़कियों के ऊपर पैर हाथ चलाने से थोड़ा भी नहीं हिचकिचाते। बट अपना सांजी तुम लोग जानते हो वो वुमेन्स पे जो पैर हाथ नहीं मारता है, वो किसी तरह से नहीं चलाता है। प्लस यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत बैक स्टोरी देखने को मिलता है और सांजी याद करता है कि उसको रास्ते में एक लड़की मिली थी जो कि फ्लावर कैपिटल से थी और वो काइडो के साइड से नहीं थी, उसे जो वहाँ पर उठा करके ले आया गया था और वो किसी के साइड नहीं थी। बट अपना सांजी उसके बाद याद नहीं आता है, वो बस ऐसा याद करते हैं कि वो इससे डरी हुई थी, प्लस वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी। यहाँ पर सांजी को लगता है कि उसने उसे डैमेज कर दिया और इसके बाद हमें सांजी का जो भाई कोल्ड वाला मोड है वो देखने को मिलता है, जो बहुत ज़्यादा कूल था यार, मतलब बहुत ज़बरदस्त था। मेरे भाई यहाँ पर सांजी का मुझे जो वन ऑफ माई फेवरेट डायलॉग सुनने को मिलता है, सांजी के मैंने जितने भी डायलॉग सुने ना ये वाला मेरा फेवरेट बन चुका है। जिस तरह से सांजी लूफी को लेकर के कहता है कि हे लूफी तुम मेरा कौन सा साइड देखना चाहोगे, वो वाला साइड जो पुराना वाला, जो लड़की अगर एनिमी हो तो उस पर हाथ पैर नहीं चलाता है वो उससे पिट जाता है, या फिर मेरा वो कोल्ड वर्जन जो अगर रास्ते में कोई भी एनिमी हो तू मुझे ऑर्डर दे और मैं उसे कुचल डालूं चाहे वो रास्ते में ये बीस्ट ही क्यों ना हो। और इसके बाद मेरा भाई सांजी जो अपना जर्मा वाला जो रेड सूट है उसको निकालता है। मेरा भाई यहाँ पर जब सांजी अपना रेड सूट निकालता है तो क्वीन देखकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि आखिरकार उसे रेड सूट में एक्शन दिखने को मिलेगा, लेकिन सांजी उसे निकाल करके नीचे गिराता है और अपने पैरों से कुचल देता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त था। मतलब कोई बंदा नहीं चाहता होगा यार कि ये करे, मतलब जितने भी बंदे थे ना सांजी के फैंस हमें सोचा था कि वो रेड सूट की फुल पावर को यूज़ करेगा ये सब होगा, बट ओडा यार उनके इरादों में पानी फेर देता है, सांजी पूरे चौड़ में आ जाता है। इसके बाद सीधे डेंडन मूसी से वो कॉल लगाता है जोरो को और जोरो को वो कहता है कि हम ये फाइट जीतने वाले हैं, और जोरो वो तो पता है कोई नया चीज़ बता, इस टाइप का रिएक्शन था उसका। साथ ही मेरा भाई सांजी यहाँ पर कहता है इस फाइट के बाद अगर मैं नॉर्मल नहीं रहा तो तू मुझे मार देना, और जोरो मतलब भाई जोरो तो चाहता है यार उसको मारना, उसके हाथों में तो खुजली हो रही होती है सांजी को लेके। खैर इसके बाद हमें जो सांजी का वो वाला मोड देखने को मिलता है ना जो हर कोई देखना चाहता था, सांजी अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म को मतलब अब वो फुल पावर में यूज करेगा, वो जो भी उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया था। सांजी यूज करता है हेल मेमोरीज जो कि हमें इससे पहले देखने को मिला था फिशमैन आइलैंड में, बट इसके बाद हमें कभी इसका फुल वर्जन नहीं देखने को मिला था, बट इस बार हमें जो है देखने को मिलेगा। और इसी के साथ मांगा चैप्टर जो है खत्म हो जाता है, जो कि बहुत जबरदस्त चैप्टर था। यहाँ पर लास्ट में एक चीज तुम मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ पे सांजी का जो आईब्रो है वो हमें उल्टा नजर आता है, इस चीज पे तुम फोकस करो, इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा, एक अलग से थ्योरी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसपे सांजी के आईब्रो क्या उसके न्यू पावर को लेकर के मैं अच्छे से बात करूंगा, क्योंकि यार तुम देख सकते हो मैं शाम के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फटाके काफ़ी ज़्यादा फोड़े जा रहे बैकग्राउंड में, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है और ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा वेट कर लो, मैं नेक्स्ट वीक जो है न्यू वीडियो लाऊंगा तो इस पर मैं अच्छे से कवर करूंगा।
फिलहाल के लिए तो ये वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, तुमको ये रिव्यू पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना मत भूलना। तो इसलिए यार जितने भी सांझी फैंस हैं उनके लिए तो ये चैप्टर 10 out of 10 है और मेरे लिए 10 out of 9 है। अगर तुम इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना, उस पे 120 फॉलोअर्स हो चुके हैं। जल्दी जाओ फटाफट से फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।